न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स एक गंभीर बीमारी है और इसका प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर न्यूमोथोरैक्स का साइज छोटा है तो कई बार इसमें देखा गया है कि स्पॉन्टेनियसली मरीज का न्यूमोथोरैक्स रिजॉल्व कर सकता है। उसमें हमें मरीज को भर्ती करके सीरियल चेस्ट एक्सरेज के साथ ऑब्जर्व करना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, और अक्सर देखा गया है कि वो छोटे न्यूमोथोरैक्स रिजॉल्व कर जाते हैं, तो उसमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार जब न्यूमोथोरैक्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है या मरीज़ को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी जैसे कि सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है या ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, उन सिचुएशंस में जो पहला ट्रीटमेंट होता है उसमें छाती में एक नली डाली जाती है जिसको हम चेस्ट ट्यूब बोलते हैं। चेस्ट ट्यूब साइड से डाली जाती है, एक पतला सा पाइप होता है जो फेफड़े और फेफड़े की दीवार के बीच में जाता है और उस जो हवा कलेक्ट होती है वो उस ट्यूब के ज़रिए बाहर निकल जाती है। नॉर्मली इसके बाद देखा गया है कि जब हवा बाहर निकल जाती है तो लंग्स वापस से एक्सपैंड हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, सिम्टम सेटल हो जाते हैं और थोड़े दिन बाद आप ये ट्यूब निकाल सकते हैं। कभी कभार जब ट्यूब डालने के बाद भी लंग्स नहीं एक्सपैंड होते, स्पेशली 4 या 5 दिन हो जाए और लंग्स अभी भी कोलैप्स्ड हैं, या हमने ट्यूब डाली और परसिस्टेंटली हवा का रिसाव हो रहा है, यानी जब भी मरीज सांस लेता है तो ट्यूब में कुछ बबल्स, एयर बबल्स आ रहे हैं, और ये अगर 5 दिन के बियॉन्ड चलता रहे तो उसे हम प्रोलॉन्ग एयर लीक बोलते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में सर्जरी का रोल आता है। सर्जरी में जो हवा का रिसाव जिस जगह से हो रहा होता है, जो कि कॉमनली किसी ब्लिप या गुल्ला के रप्चर होने की वजह से होता है, उसको सर्जरी करके हमें रिपेयर करना होता है। नॉर्मली जो इस बीमारी में सर्जरी होती है उसको हम बुलेक्टमी या ब्लेबेक्टमी बोलते हैं। इसको दूरबीन विधि के द्वारा यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक बहुत ही छोटे कट से साइड ऑफ द चेस्ट से ये पूरा ऑपरेशन किया जा सकता है। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो साथ में हम यूरोडिसिस भी करते हैं। यूरोडिसिस का मतलब होता है लंग्स और फेफड़े की दीवार को आपस में चिपका देना। इससे फ्यूचर में न्यूमोथोरैक्स के रिकरेंसेस होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है।